दोस्तों आजकल टैटू का एक ट्रेंड सा बन गया है। कोई अपने प्यार के लिए टैटू बनवाता है, कोई अपनी माँ के लिए टैटू बनवाता है, कोई शौक के लिए टैटू बनवाता है और कोई दिखावे के लिए टैटू बनवाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये टैटू कभी मिटते क्यों नहीं है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल टैटू को बनवाने में जिस स्याही से भरी हुई छोटी छोटी सुइयों का प्रयोग किया जाता है, यह सुई हमारी त्वचा के सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस को भेद कर उसके नीचे मौजूद डर्मिस तक पहुंच जाती है, जिससे हमारी त्वचा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और हमारे शरीर में जहाँ भी नुकसान होता है वहाँ श्वेत रुधिर कणिका पहुंच जाती है, जिन्हें माइक्रोफेज कहा जाता है। यह माइक्रोफेज स्याही को निगल कर उसे साफ करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके लिए यह स्याही एक बाहरी पदार्थ होता है। यह सेल्स बहुत ज्यादा छोटी होने के कारण ही कुछ ही स्याही को सोख पाती हैं और कुछ स्याही बच जाती है, और यह बची हुई स्याही त्वचा के नीचे डर्मिस में मौजूद माइक्रोब्लास्ट के द्वारा सोख ली जाती है, और यह दोनों सेल्स फाइब्रोब्लास्ट और माइक्रोफेज दोनों ही डर्मिस में रह जाते हैं। लेकिन सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस द्वारा सोखी हुई स्याही मिट जाती है, क्योंकि एपिडर्मिस के सेल्स नियमित रूप से बदलती रहती है। लेकिन डर्मिस के अंदर मौजूद माइक्रोफेज लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और यदि यह सेल्स मरती हैं तो उनके स्थान पर नए सेल्स आ जाते और उन्हें निगल जाते, जिससे टैटू कभी भी नहीं मिटता है। तो दोस्तों टैटू से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।